मेरा नाम मीनू है, मैं सहवाग की सिस्टर हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई ने इतना बड़ा नाम किया है मेवात का। मेवात का कोई भी लड़का अभी तक नहीं गया, फर्स्ट टाइम हमारे भाई गए। बहुत हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली सब बहुत खुश हैं। मेरा नाम अहसान है। शहबाज अहमद साहब का क्या रिश्ता है? वो मेरा भाई है और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज टूर्नामेंट में खेल के यहाँ पे आया है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फोर्थ में। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं। किस में इंटरेस्ट है आपका? क्रिकेट में। आप भी चाहती हैं कि आप महिला क्रिकेट में खेल सके? मैं हूँ जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटी न्यूज लगातार। मैं आपको डीटी न्यूज के माध्यम से शहबाज अहमद की हर कवरेज दिखाता हुआ नजर आ रहा हूं। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं क्योंकि आईपीएल खेलने के बाद पहली बार मेवात में शहबाज अहमद पहुंचे हैं और उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है क्योंकि उन्होंने आज डिनर के लिए सारे जो रिलेटिव उनको इनवाइट किया था। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से देख रहे हैं उनके भविष्य को, जिस तरीके से इतना बड़े टूर्नामेंट में खेल करके उन्होंने जलवा दिखाया है और आगे किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, क्या उम्मीदें हैं। पूरा परिवार आज खुशी का पल है और जानने की कोशिश करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शबनम है, मैं शहबाज की मौसी हूँ जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो कामयाब हो रहा है, ये मेरी दुआ है कि वो और ऊपर आगे खेले जी। क्या नाम आपका? जी क्या नाम है जी आपका? फिरदौस जी। चाची हूँ मैं उसकी। हम बहुत खुशी हो रही है शहबाज की, हमारा बेटा यहाँ तक पहुँचो और आगे पहुँचे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। मामी हूँ जी उसकी, मैं बहुत खुशी है। आज खुशी की वजह से आज यहाँ सारे पड़ोसी रिश्तेदार सारे झूम रहे खुशी की वजह से, और हम आपको यूट्यूब पे देखे, आज हम लाइव देख रहे हैं, आपको सामने देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खुशी है। और उस बच्चे को आगे इंडिया की टीम में खिला अल्लाह जी। क्या हाँ, मैं शहबाज की मौसी हूँ और हमें बहुत खुशी है और हम उसके लिए दुआ करेंगे कि वो मेवात का भी नाम करे और इंडिया का भी नाम करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूफियान और मैं शहबाज का भाई हूँ। अच्छा, और हमें बहुत खुशी है वो आईपीएल में खेला और हमारी और दुआ है वो इंडिया की टीम में खेलेगा। आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट? क्रिकेट। अच्छा, आप भी चाहते कि आप आईपीएल में खेलें? हम बॉक्सर बनेंगे। दादी हूँ, शहबाज की दादी हूँ। हाँ, अच्छा बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बड़ा मेरा जिससे बच्चा प्यार है, बहुत अच्छा पढ़ाया रखा। अब खूब ऑनलाइन बढ़िया जिग में भेजा, बहुत ज़्यादा खुशी है। सारी मेवा से खुशी, सारे पड़ोसी से खुशी, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ना है। ये वक्त मम्मी तो खूब बैठी मतला ली। शहबाज की अम्मी तो किसी मोहताज, किसी परीक्षा की मोहताज नहीं है ना, कोई ना किसान परेशान ना हो, खूब खुश हो सब तरह से। शहबाज के साथ साथ इसका भी नाम रोशन हुआ है। मैं शहबाज खान की फूफी हूँ, इस बात से हमें बहुत खुशी हुई है। हम ये साथ हैं, इंशाल्लाह हमारा भाई आगे इंडिया की टीम में खेले। हमारे साथ शहबाज अहमद की माँ मौजूद है, पूरा परिवार है और खुशी का पल है। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को, किस तरीके से देख रहे हैं शहबाज अहमद के भविष्य को लेकर के? जी पहले तो बहुत बहुत बधाई कि शहबाज अहमद इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद पहली बार मेवात में आया है। सबको बधाई है, पूरी मेवात को बधाई, और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। आज उसके वजह से यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम करा, अच्छा स्वागत करा उसका, और सारे परिवार आया, सारे रिश्तेदार आए, सारे पड़ोसी भाई, और सारी मेवात की दुआ उसके साथ है। अच्छा, आईपीएल में शहबाज अहमद खेले हैं, शहबाज अहमद ने अपना नाम तो रोशन किया है, साथ में उसकी माँ उसके अब्बू जान का भी नाम रोशन हुआ है। हाँ जी, हुआ उसका, सबका हुआ। मेरा नाम सहवीन है, मैं शहबाज की बहन हूँ और हमें बहुत खुशी है कि वो आईपीएल में खेला और आगे भी ऐसे ही खेलता रहे और मेवात का नाम उसने रोशन किया है। शहबाज अहमद का पूरा परिवार और उसकी पूरी फैमिली से हमने बातचीत की, उसके जितने भी रिश्तेदार थे सारे उनके घर पर मौजूद हैं क्योंकि शहबाज अहमद के स्वागत के लिए पूरे रिलेटिव यहाँ आए हुए हैं और पूरी मेवात की जनता ने उसको सराखों पर बिठाया है और इतना प्यार इतनी मोहब्बत दी है, उसी की बदौलत वो इतने बड़े मकाम पर पहुँचे हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद आए हैं। और ये सबसे रोचक बात तो हमने यहाँ ये देखी कि लोगों के दिलों में क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है कि सभी ये दो बच्चे थे, इनके अंदर भी इस तरीके का जुनून है कि ये भी चाहते हैं कि क्रिकेट में अपना नाम रोशन करें,
क्योंकि जिस तरीके से किसी ने सही कहा है कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेवात के सिकरावा गाँव से ताल्लुक रखने वाले शहबाज अहमद ने।